हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठहर सीबीगंज बरेली में। देखिए, यहाँ पर हम इस वीडियो में आपके लिए ले रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा, टॉपिक ये है कि वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल। देखिए, हमने बहुत सारी वीडियो में आपको क्षेत्रफल के बारे में, कभी आयतन के बारे में बताया है। इस वीडियो में जो हमने टॉपिक लिया है वो वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल लिया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ के आप कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल हमें वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना आ गया। देखिए, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। देखिए, वर्ग आप जान लीजिए, वर्ग में क्या होता है, इस तरीके से मैंने एक आकृति बना दी है, ये आप देख रहे होंगे, ये एक वर्ग है, और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं इसको मान लूं ए बी सी और डी, तो ये आपके लिए वर्ग हो गया, और यहाँ पर आपके लिए चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो मैं यहाँ पर कुछ भी मान सकता हूँ, जैसे मैंने मान लिया 2 सेंटीमीटर यहाँ है, तो 2 सेंटीमीटर ये भी होगा, तो 2 सेंटीमीटर ये भी होगा, और 2 सेंटीमीटर ये भी होगा। तो यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर होंगी, ऐसे को हम वर्ग कहते हैं। तो यानी पहली क्वालिटी क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसकी, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, यहां पर चारों भुजाएं आपके लिए बराबर होंगी, और जो सभी कोण होंगे इनके बीच जो कोण बनेंगे वो आपके लिए 90 डिग्री बनेंगे। कितने बनेंगे, 90 डिग्री। यानी यहां पर आप लिख सकते हैं एंगल ए बराबर 90 डिग्री, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, और एंगल सी बराबर 90 डिग्री, और एंगल डी बराबर 90 डिग्री। देखिए, सभी कोण कितने होंगे आपके लिए, सभी कोण जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। और आपके लिए क्या करना है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमने लिखा है परिमाप और क्षेत्रफल, तो हम बात करते हैं वर्ग के परिमाप की। देखिए, वर्ग का परिमाप यानी परिमाप बराबर होता है, देखिए आपको हम बता देते हैं कि परिमाप का मतलब क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है चली गई दूरी, चली गई दूरी। तो यहां पर परिमाप का मतलब होता है चली गई दूरी। अब कहां से कहां तक दूरी चलोगे, तो आप इस पॉइंट से चलोगे ए बिंदु से, यहां से यहां तक जाओगे, यहां से यहां तक जाओगे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये जाओगे। अगर मैंने एक स्क्वायर मान लिया, फिर से एक छोटा सा स्क्वायर बना देता हूं यहां पर, देखिए, और इसकी मैंने प्रत्येक साइड ए सेंटीमीटर मान ली। कितनी मान ली, ए सेंटीमीटर, प्रत्येक साइड हमने मान ली इसकी ए सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर। अब परिमाप ए सेंटीमीटर अगर हो गया, तो आपके लिए क्या है, यहां पर देखिए परिमाप निकालेंगे चली गई दूरी। तो आप लिखिए परिमाप बराबर, ध्यान से सुनना, आप चली गई दूरी यहां से शुरू करो, यहां से, तो ए सेंटीमीटर प्लस फिर से ए सेंटीमीटर प्लस यहां पर, और फिर से यहां पर ए सेंटीमीटर, ये दूरी और है ए सेंटीमीटर, फिर प्लस ए सेंटीमीटर, यानी जहां से चले हैं वहीं पर पहुंच जाएंगे, तो आपके लिए चारों ए सेंटीमीटर हो गए। तो इसलिए परिमाप देखिए कितना हो जाएगा, ए ए ए ए, तो कितना हो जाएगा, चार ए, चार ए सेंटीमीटर। तो इसका मतलब लिख सकते हैं परिमाप बराबर, परिमाप बराबर लिख सकते हैं चार गुणे, और ए ए सेंटीमीटर क्या है, भुजा, तो चार गुणे लिख सकते हैं भुजा। क्या लिख सकते हैं, चार गुणे भुजा लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला आ गया आपके लिए, परिमाप बराबर चार गुणे भुजा, परिमाप। अब इसके बाद हम इसको फार्मूले को हमने फॉर्मेट कर दिया, देखिए हमने आपके लिए फार्मूले को बना दिया। अब इस पर आधारित एक सवाल को बताते हैं। सवाल क्या बताते हैं, देखिए ध्यान से, यहां पर पहला सवाल हम लेते हैं, पहला सवाल आपके लिए कैसा होगा परिमाप का। तो परिमाप का यह सवाल है, आपके लिए फिगर दिया गया है इस तरीके से, मैंने ये स्क्वायर बना लिया, और इसकी प्रत्येक साइड जो है वो मैंने ले ली 4 सेंटीमीटर। कितनी ली है, 4 सेंटीमीटर इसकी प्रत्येक साइड ले ली है, ये 4 सेंटीमीटर इसकी प्रत्येक साइड है। तो आपके लिए इसका परिमाप निकालना पड़ेगा, तो मैं लिख रहा हूं परिमाप, परिमाप बराबर, तो इसकी भुजा कितनी है वो लिख लो, भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, यहां पर 4 सेंटीमीटर भुजा है। तो आपके लिए परिमाप होगा चार गुणे भुजा, चार गुणे भुजा, तो चार गुणे भुजा यानी चार गुणे भुजा का मान है 4 सेंटीमीटर, तो यहां पर आप लिख सकते हो 16 सेंटीमीटर। तो इसका हो गया परिमाप, क्या हो गया, परिमाप हो गया इसका 16 सेंटीमीटर, यह आपका आंसर हो गया। देखिए, इस तरीके से हम बहुत से बड़े स्क्वायर को, छोटे स्क्वायर को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर स्क्वायर के थोड़े से अलग तरीके की। देखिए दूसरा सवाल, एक स्क्वायर बना दिया और मैंने इसी स्क्वायर के अंदर एक 4 सेंटीमीटर, ये अगर इसकी मैं माने 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है,
10 सेंटीमीटर। तो हमने इसके चारों ओर एक रास्ता बना दिया, वो बना दिया मैंने कितनी दूरी, कितनी चौड़ाई का, तो यहां पर मैंने 5 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना दिया है। ध्यान से सुनना, 5 सेंटीमीटर का एक रास्ता बना दिया गया है चारों तरफ से। अब आपके लिए परिमाप निकालना है, दोनों का परिमाप निकालना है। तो पहले वाले बड़े आयत, बड़े वर्ग का, बड़े वर्ग का परिमाप, तो बड़े वर्ग का परिमाप जब निकाल लेंगे तो इसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर के लिए निकालो, 4 गुणे भुजा 10, 10 सेंटीमीटर यानी 10 चौक 40 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया आपके लिए। या तो आप कोई छोटी दूरी ले लेंगे, तो छोटी दूरी यहां पर एक बना दे रहे हैं हम आपके लिए, छोटी दूरी ले रहे हैं, तो आपके लिए 2 सेंटीमीटर लो जिससे कि आपको कुछ परिमाप प्राप्त हो। तो 2 सेंटीमीटर हमने ले लिया, यहां पर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई, तो 2 सेंटीमीटर हो गई, तो आप यहां पर 2 इधर का और 2 इधर का, तो कम करोगे 4, यानी भुजा बराबर आ जाएगा छोटे वाले के लिए 10 माइनस कितना 4, 10 माइनस 4 सेंटीमीटर, तो आप यहां पर लिख देंगे कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर छोटे वाले के लिए बता, आप यहां पर लिखेंगे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का परिमाप, परिमाप निकालना है यहां पर, तो परिमाप लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा 4 गुणे भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर, तो यहां 4 चके 24, 24 सेंटीमीटर आपके लिए यह परिमाप आ जाएगा। तो यहां पर छोटे वाले का भी निकाल दिया, बड़े वाले का भी यहां पर निकाल दिया परिमाप। तो इस तरीके से हम वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए दूसरा टॉपिक जो हमने लिया है वो भी आपको बताते हैं कि क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल आपको समझाते हैं। तो यहां पर देखिए ध्यान से, वर्ग का क्षेत्रफल इधर देखिए, यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल आपके लिए समझाने वाले हैं। देखिए पहले हम वर्ग बना देते हैं, और वर्ग में चारों साइड्स बराबर होती हैं, इसकी ए सेंटीमीटर, इसकी भी ए सेंटीमीटर, इसकी भी ए सेंटीमीटर, इसकी भी ए सेंटीमीटर, सभी साइडें इक्वल हैं, बराबर है। अब आपके लिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई साहब इसको सबसे पहले हम फार्मूले को फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। आप जानते हो किसी भी ऐसे फिगर का जो होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहां पर लंबाई भी ए सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी ए सेंटीमीटर है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी वर्ग। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, जो कि ये ए क्या है, भुजा है, तो आप लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहां पर हमने आपके लिए फॉर्मूला भी फॉर्मेट कर दिया, बना दिया फॉर्मूला कि भुजा का स्क्वायर है। अब आपके लिए एक सवाल लेकर के दिखाते हैं कि आपको वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। देखिए सवाल नंबर 1, सबसे पहले हमने एक वर्ग बना दिया और इसके इसकी साइड जो हमने ले ली है वो 5 सेंटीमीटर ले लिया, सभी साइड इसकी 5 सेंटीमीटर होंगी, हर साइड इसकी इक्वल होगी, बराबर होगी। अब इसके लिए क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो साइड का स्क्वायर है यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा है 5 सेंटीमीटर, भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे तो 5 सेंटीमीटर और गुणे में 5 सेंटीमीटर यानी भुजा का स्क्वायर है, तो 5 गुणे 5 यानी 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा क्षेत्रफल यानी एरिया। तो इसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए ये तो एक सवाल हो गया, ऐसे ही अगर हम कहें कि एक ऐसा सवाल है जिसमें आपके लिए क्या बताया गया, ध्यान से सुनिए, यहीं पर बता देता हूं आपके लिए। यहां पर ध्यान से देखिए, ऐसे मैंने एक स्क्वायर बना लिया, वर्ग बना लिया, ये बना लिया, अब मैंने कहा ये इसकी जो ये वर्ग बना हुआ है इसके लिए आपको जो साइड दी गई है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है, जैसे हमने पिछले सवाल में ले लिया था, तो 10 सेंटीमीटर हमने इसकी साइड ले ली है बच्चे, और यहां पर इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया जाता है कितने मीटर चौड़ा, तो यहां पर मैंने माना यहां पर 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है इससे, तो हमें इसमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़े आयत बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर है तो 10 गुणे 10 यानी भुजा का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आपके लिए क्या करना है, इस छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल,
छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे जब आप, तो भुजा का स्क्वायर होगा। अब भुजा कितनी होगी, तो 10 सेंटीमीटर, ये दो इधर चौड़ाई है, दो इधर है, तो 4 कम हो जाएगा, 10 माइनस 4 यानी 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हो गया, तो 6 × 6 तो यहां पर आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके लिए आ गया। अब आप क्या निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा बराबर में ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से घट जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आप घटा देंगे 10 में से 6 गया 4 यहाँ पर और 9 में से 3 गया 6, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपके लिए आंसर आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए दो टॉपिक बहुत ही चुनिंदा टॉपिक आपके लिए लेकर आए थे जो कि हमने आपको समझाया। सबसे पहले हम आप पर बात करते हैं कि हमने सबसे पहले आपके लिए वर्ग के बारे में समझाया, वर्ग के बारे में परिमाप निकाल के दिखाया वर्ग की क्या क्वालिटी होती है। उसके बाद हमने आपको परिमाप के बारे में बताया कि कैसे कैसे परिमाप को निकाला जाता है। फिर हम टॉपिक दूसरा आपके लिए बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, फार्मूला कैसे बनता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इस तरीके से हमने आपको सब बताया। तो आई होप आप ये इस वीडियो में आप ज्यादा से ज्यादा सीख गए होंगे कि वर्ग का जो परिमाप है, क्षेत्रफल है, वो कैसे निकालते हैं, कैसे फार्मूले को बनाते हैं और कैसे उनसे क्वेश्चन को दिया जाता है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे, तो इस तरीके से सब चीजें आप समझ गए हैं। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से जब आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।